बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट BTAD में रेशम पालन व्यवसाय एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2003 में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के गठन के बाद BDAD में रेशम का उत्पादन प्रतिवर्ष 100 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 1012 मीट्रिक टन और आय करीब 500 करोड़ रुपए हो गई है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के 3082 गांवों में से 1580 गांवों में रेशम पालन का विस्तार हो चुका है और करीब 60,000 ग्रामीणों को इस क्षेत्र में स्वरोजगार मिला हुआ है। यहां एरी, मूंगा और मलबरी रेशम की तीनों किस्मों का उत्पादन हो रहा है। BTC में रेशम पालन क्रांति का पूरा श्रेय BTAD रेशम पालन विभाग के निदेशक डॉक्टर जोगेश देवरी और उनके सहकर्मियों को जाता है, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार तथा BTC की योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया। उन्होंने रेशम पालन शुरू करने से लेकर उचित देखभाल और मार्केटिंग के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया, प्रोत्साहित किया और रेशम उत्पादन को गरीबों की आजीविका से जन जन की आजीविका में परिवर्तित कर दिया। श्री देवरी ने BTAD में हजारों परिवारों के जीवन को एक नया मुकाम दिया है और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हम BTC का प्रोडक्ट को बाहर लाने के लिए नेशनल इंटरनेशनल लेवल में लाने के लिए दिल्ली में एक बोडोलैंड सिल्क शोपी भी 2017 नवंबर 10 तारीख को इनॉग्रेशन किया है। BTAD में रेशम पालन विभाग के निदेशक जोगेश देवरी और विभाग के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने पिछले 10 साल में रेशम का प्रतिवर्ष उत्पादन 10 गुना बढ़ाकर साबित कर दिया है कि वित्तीय संसाधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। इसके माध्यम से ही किसानों और विभाग के बीच बेहतर रिश्ते की बुनियाद तैयार होती है, जिससे कि योजनाओं की सफलता का कीर्तिमान स्थापित होता है। एरी इज आवर फ्यूचर, मुगा इज आवर होप, मालवरी इज आवर स्कोप। बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद की स्थापना के समय क्षेत्र की ताकत रेशम पालन से स्वरोजगार पैदा करने और गरीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य रेशम विभाग को दिया गया था, उसमें सफलता मिली है। अतः हम ये कह सकते हैं कि रेशम अब सिर्फ शरीर के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि अब BTAD की तकदीर भी बदल रहा है।